अध्यापिका, चीन से आइसक्रीम बनाने का विचार लेकर मार्को पोलो इटली है ना, यूरोप आया था। सन 1972 में सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय के भोज में विशिष्ट लोगों को आइसक्रीम परोसी गई। सन 1718 में इसे बनाने की विधि एक अंग्रेजी पुस्तक में छपी थी। आज आइसक्रीम घर में भी बनाई जा सकती है। विभा, हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती है। मतलब जो आइसक्रीम बनाने का चीन से, मतलब आइसक्रीम बनाने का विचार कौन लेकर आया था? मार्को पोलो। मार्को पोलो नामक व्यक्ति ने चीन से आइसक्रीम बनाने का विचार लेकर कहाँ आया था? यूरोप, इटली मतलब यूरोप आया था। और सन 1672 में सबसे पहले इंग्लैंड के जो राजा थे किंग चार्ल्स द्वितीय के भोज में विशिष्ट लोगों को आइसक्रीम, मतलब उन्होंने, जो राजा किंग चार्ल्स थे ना, उन्होंने अपने घर में भोज का आयोजन किया था। उस भोज में विशिष्ट, मतलब स्पेशल लोगों को आइसक्रीम परोसा गया था। आजकल हम भी देखते हैं ना, शादी ब्याह में आइसक्रीम रखी जाती है, तो वैसे उस समय आइसक्रीम रखा गया था। सन 1718 में इसे बनाने की विधि, मतलब आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है, उस विषय में एक अंग्रेजी पुस्तक में छापी थी। मतलब उस विधि को एक अंग्रेजी पुस्तक में छापा गया था। आज आइसक्रीम घर घर में बनाई जाती है, मतलब आज सभी लोग अपने अपने घर में आइसक्रीम बनाते हैं। तब विभा कहती है, हाँ मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती है।